बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच का आया फैसला है। अगर कोई केंद्र सरकार के नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करता है तो उसे गद्दार नहीं कहा जा सकता है। बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने महाराष्ट्र के बीड में विरोध प्रदर्शन की अनुमति के मामले में एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट के दिए आदेश को पलटते हुए कहा है कि किसी को सिर्फ इसलिए राष्ट्र विरोधी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो किसी कानून का विरोध करना चाहता है। कोर्ट के दो जजों की डिविजनल बेंच ने कहा कि किसी विरोध को सिर्फ इसलिए रोका नहीं जा सकता क्योंकि वो सरकार के खिलाफ है। बीड में रहने वाले 45 वर्षीय इफ्तिखार शेख ने बीते महीने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने के लिए पुलिस से इजाजत मांगी थी। एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट के एक आदेश के हवाला देते हुए पुलिस ने उसकी अर्जी को खारिज कर दिया था। इसके बाद इफ्तिखार ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। अखबार कहता है कि कोर्ट ने कहा कि नौकरशाही को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर लोगों को लगता है कि कोई खास कानून उनके अधिकारों पर हमला करता है तो वो अपने हकों की रक्षा के लिए आगे आ सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि हम नहीं तय कर सकते कि अधिकारों के पालन के कारण कानून व्यवस्था की समस्या होगी या नहीं। SPN 9 न्यूज़ से लता की रिपोर्ट।